दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन में क्या बेहतर है। तो फिर से मैं बता दूं कि दोनों के अपने अपने महत्व है और दोनों की अलग अलग जरूरत है। अब नॉर्मल जब हो सकता है तो सिजेरियन नहीं करना चाहिए, और अगर सिजेरियन नॉर्मल नहीं हो सकता तो सिजेरियन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें जच्चा और बच्चा स्वस्थ देना होता है। दोनों का अलग अलग इंडिकेशन है, अलग अलग कारण है करने के, ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। और अब जो बाकी बचा है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपका पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब मदर छोटे हाइट की है, और पीवी करने पे डॉक्टर को वहाँ नुकीला दो पॉइंट दोनों साइड से पता चल रहा है। जहाँ पता होता है कि हेड, वहाँ पे बच्चे का हेड को दोनों तरफ से वो दाग देगा और बच्चे को हेड इंजरी हो सकती है। बच्चा नहीं रो सकता है जन्म के तुरंत बाद। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको समय से पहले डॉक्टर से डेट लेके आपको सिजेरियन कराना पड़ सकता है। ऐसे ये भी इलेक्टिव सिजेरियन है। अगर बच्चा आपका उल्टा है, बेड़िया है, तो सिजेरियन जो है वो इलेक्टिव सिजेरियन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोलेस्टेसिस ऑफ लीवर का प्रॉब्लम है, या फिर मदर को प्री एक्लेम्सिया है, या फिर एक्लेम प्री एक्लेम्सिया मतलब कि बीपी हाई है, पैर सूजन है, पेशाब में आपका रिपोर्ट जो है उसमें प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है, सीरम क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या रीनल फंक्शन टेस्ट में गड़बड़ी आ रही है, आपका लीवर फंक्शन भी टेस्ट भी गड़बड़ा रहा है, तो बहुत इसमें बहुत सीरियस जब कंडीशन होता है उसको हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। तो वैसे कंडीशन में मदर को ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता है और उनको सिजेरियन करके बच्चा निकाल लिया जाता है, तो ये भी इलेक्टिव सिजेरियन हो जाता है। अगर मदर को हार्ट की बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और ये माइनर डिग्री का प्रॉब्लम है या मेजर डिग्री का प्रॉब्लम है, तो ये भी आप अपने बेहोशी के डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट से मिलकर आप प्लान तय करते हैं कि सिजेरियन ठीक रहता है या नॉर्मल ठीक होगा। क्योंकि नॉर्मल में जो आप वाल्सरवा मैन्यूवर करते हैं और जो आप कूदते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, तो वो आपके हार्ट के पर उतना प्रेशर आपके लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे कंडीशन में भी आपको सिजेरियन कराने की जरूरत पड़ सकती है। इसको भी इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, मतलब कि आपको सोचा समझा सिजेरियन। तो हाई बीपी के साथ मैंने बताया कि आपका पैर सूजा है, मगर आप पूरा अपने होश व आवाज में हैं, आप जान रही हैं कि आप हॉस्पिटल में आई हैं, टाइम क्या हुआ है, आप सबको पहचान रही हैं, आप सब चीज सारी स्थिति वस्तु स्थिति को समझ रही हैं, ये प्री एक्लेम्सिया है। लेकिन इसी कंडीशन में जब आप ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं और जब आपको चमकी आ जाता है, आप बेहोश हो जाती हैं, आपके मुंह से झाग आ जाता है और आपका ऐसे रेस्पिरेशन जो है, सांस जो है ऐसे फूलता पचकता है, और आप घर के किसी भी आदमी को पहचानती नहीं है, और आप चमकी आने के पहले आप माथा दर्द का कंप्लेन करती हैं, आपको कुछ भी नहीं दिखता है, और फिर उसके बाद से आप बेहोश होती हैं, फिर आप कितनी देर तक बीच बीच में होश में आती हैं, फिर बेहोश हो जाती हैं, या फिर आप परमानेंटली बेहोशी में चली जाती हैं, बेहोशी कोमा की अवस्था में चली जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन को एक्लेम्सिया कहा जाता है, और इसमें जो सिजेरियन होता है वो इलेक्टिव नहीं होता है। हाई बीपी के साथ पैर में सूजन, पेशाब में प्रोटीन निकलना, ये प्री एक्लेम्सिया था, इसमें आपको इलेक्टिव सिजेरियन कराना था। लेकिन अभी आपको चमकी आ गया तो आपको इमरजेंसी सिजेरियन होगा, और इसमें आपको तुरंत के तुरंत इमरजेंसी सिजेरियन कराना होता है, क्योंकि इसमें पुरैन जो है, प्लेसेंटा, वो फॉल्ट पे है, वो बहुत तरह के हार्मोन ऐसे निकाल रहे हैं कि जिससे आपको बहुत हाई बीपी हो रहा है, एंजियोटेंसिनोजन 2 निकाल रहा है, जिससे आपको बीपी हाई हो जा रहा है। तो उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, और आप बेहोश है तो आप जोर तो लगा नहीं पाएंगे, और आपको अगर दर्द का सुई पानी किया जाए तो आपके जच्चे बच्चे को
आज जच्चे को और बच्चे को दोनों को नुकसान पहुंचेगा और ज्यादा दर्द उठाने से मरीज को और चमकी आ जाएगा। या एपिलेप्सी की बीमारी है या मिर्गी की बीमारी है, वैसे कंडीशन में आपको लेवर पेन देके स्टिमुलेट करना, आपकी मिर्गी को प्रोवोक करना है, तो वैसे कंडीशन में आपको इलेक्टिव सिजरियन करना पड़ता है। तो अब हम लोग इस मुद्दे से समझ रहे हैं कि कब हमें सिजेरियन करना जरूरी है, कब नॉर्मल हो सकता है। इलेक्टिव सिजेरियन में बच्चा जो है अब वो टीटीएन हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या है कि आपको एक फायदा ये होता है कि आप जल्दी से आप कुछ खाने पीने लगती हैं, चलने फिरने लगती हैं, फिर आप अपने काम को रूटीन वर्क को जल्दी ही ये कर लेती हैं। लेकिन इसमें आप इतना ज़्यादा जोर लगाती हैं कि आप इतना ज़्यादा जोर लगाती हैं कि आपको थोड़ा सा बच्चेदानी ढीला हो सकता है। अगर उसको टाइम पे रिपेयर कर दिया जाए, अगर जो टीयर है उसको रिपेयर किया जाए और आप डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज करें, चूको मुको ना बैठे, पीड़ा पे ना बैठे, तो आपको जल्दी से रिगेन कर सकती हैं। अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ आप खुद से उसको वापस पा सकती हैं। और बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी में ये फायदा होता है कि ब्रेन का जो है रिमोल्डलिंग होता है, ब्रेन दबता है और ये बाहर निकलता है। ये इसके साथ साथ ही पूरे बॉडी का स्क्विच बॉडी अस्क्विज हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो जो भी उसके फेफड़ा में पानी रहता है, जो पानी पिया रहता है, वो बाहर आ जाता है, जिसके कारण वो क्या है कि बच्चा जन्म के बाद तुरंत रो देता है। जबकि सिजेरियन के टाइम में क्या है कि कभी कभी टिटियन हो जाता है, बच्चे को बहुत देर तक सांस का ये काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम बच्चे की सुरक्षा के लिए ही सिजेरियन कर रहे हैं। पर सिजेरियन के बाद कभी कभी बच्चा, इलेक्टिव सिजेरियन के बाद खासकर कभी कभी बच्चा सीसा में जाने की भी जरूरत हो जाती है, क्योंकि वो टीटीएन हो जाता है, ट्रांजिएंट टैकेपनिया ऑफ न्यूवा। इसमें 48 घंटे तक बच्चे का हार्ट बीट और रेस्पिरेशन थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। अब दोनों के अलग अलग फायदे मैंने बताए। ऐसा बोला जाता है, मिथ्य है कि सिजेरियन कराने पे बहुत रेस्ट की जरूरत है, बहुत खाना खाना पड़ता है और लोग बहुत खा के बहुत मोटे हो जाते हैं और सिजेरियन के बाद बहुत काम नहीं कर सकते। तो ये गलत बात है। सिजेरियन के बाद मैंने खुद से 1.5 महीने बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था और अपने पुराने सारे कपड़े जो मेरे प्रेगनेंसी के पहले के कॉलेज स्टाइल के थे, वो सारे मुझे फिट आ गए थे और मैं अभी भी बहुत मजबूत हूँ क्योंकि सिजेरियन से हुआ है मेरा बेबी। और सिजेरियन ये आप पे निर्भर करता है कि आप खुद को कितना मोबिलाइज करना चाहते हैं, खुद को कितना मोटिवेट रखते हैं, खुद कितना फिट रहना चाहते हैं। और लोग फालतू का ही रेस्ट करते हैं, उतना रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, खासकर जब आपका इंसीजन जो है, टाका जो है, ऐसे बेड़िया लगा है तो हर्निया का भी डर नहीं रहता है। पहले लोग ऐसे फाड़ते थे तो लोग ज्यादा रेस्ट करते थे, बट ऐसे करने के बाद आपको ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, अपने संबंधियों को, सगे संबंधी रिश्तेदारों को जिनका भी आप भला चाहते हो उनको जरूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।